आपका स्वागत है और मैं हूँ आरती सिंह। भोजपुर पुलिस को एक बार फिर मिली बड़ी सफलता। पौना थाना क्षेत्र के दो अज्ञात अपराधियों द्वारा हथियार के बल पर गहना लूटने के कांड का उद्भेदन एवं त्वरित अनुसंधान हेतु पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया, जिसमें छापेमारी के दौरान एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एक देसी कट्टा, दो जिंदा गोली, चांदी का जेवर 3 किलो 500 ग्राम और सोना का जेवर 110 ग्राम बरामद किया गया, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के द्वारा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्या कहना है उनका, आइए सुनते हैं। भोजपुर पुलिस और अपराधियों के बीच इन दिनों लुका छिपी का खेल निरंतर जारी है। पुलिस अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार गश्ती व छापेमारी अभियान चलाकर उनके मंसूबे पर पानी फेरते हुए उनके काली करतूत का भी उद्भेदन कर रही है। इसी सिलसिले में आज पुलिस कप्तान अवकाश कुमार ने चर्चित लूटकांड का महज 72 घंटों में उद्भेदन कर भोजपुर पुलिस ने बड़ी सफलता अपने नाम कर ली है। पुलिस कप्तान द्वारा इस लूटकांड का उद्भेदन प्रेस वार्ता के दौरान किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 16 अगस्त 2017 को पौना थाना क्षेत्र के नहर लख के समीप स्वर्ण व्यवसायी वीरेंद्र साह को अज्ञात अपराधियों द्वारा हथियार के बल पर सोना चांदी से भरा बैग लूट लिया गया था, जिसके बाद पुलिस कप्तान अवकाश कुमार ने इस मामले के अनुसंधान के लिए टीम सदर SDPO संजय कुमार के नेतृत्व में बनाया और तत्काल मामले की छानबीन करने का निर्देश दिया, जिसके बाद टीम ने वैज्ञानिक अनुसंधान व गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को पता चला कि लूटकांड में शामिल अपराधी बबलू यादव और चंदन कुमार को पौना थाना क्षेत्र के भगवानपुर होटल के पास होने की सूचना मिली, जहां गठित टीम ने छापेमारी कर सहार थाना के बागी गांव निवासी बबलू यादव को एक देसी कट्टा, दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। वहीं इसका दूसरा साथी चंदन कुमार पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। गिरफ्तारी के बाद बबलू ने यादव से पूछताछ किया तो उसने किस कांड में अपने तथा चंदन की संलिप्तता की बात स्वीकारी और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने छापेमारी कर लूटे गए 110 ग्राम सोना, 3.5 ग्राम किलो चांदी के जेवरात को भी बरामद किया। वहीं पुलिस कप्तान ने बताया कि लूट कांड के साथ साथ बरामद आर्म्स मामले में स्पीडी ट्रायल चलाकर अभियुक्तों को कड़ी सजा दिलाए जाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही छापेमारी टीम में शामिल सभी बहादुर अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए अपनी ओर से तथा मुख्यालय को पत्र भेजा जाएगा। जी, दिनांक 16/8/17 को सुबह में पौना थाना अंतर्गत एक लूट का केस दर्ज हुआ था, कि व्यवसायी के द्वारा दर्ज कराया गया था। दो अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध उनके सोने और चांदी के कुछ गहने लूट लेने के आरोप में, उसके वेदन के लिए एक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में थानाध्यक्ष पौना और थानाध्यक्ष उधवंत नगर की टीम बनाई गई थी, जिसमें DIU के भी ऑफिसर्स थे। इस टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के 72 घंटे के अंदर ही कांड का सफल उद्भेदन कर लिया गया है और इसमें लूटी गई सभी सामग्री को बरामद कर लिया गया है। इसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है अभी तक, जिसका नाम बबलू है, बबलू यादव, सहार थाना का रहने वाला है और उसने अपने स्वीकारोक्ति बयान में अपने दूसरे साथी का भी नाम बताया है। स्वीकारोक्ति बयान से बबलू यादव के विरुद्ध अभी तक जो उसने बताया है, धनबाद में एक मर्डर केस में ये सजायाफ्ता है, जिसमें फिरार चल रहा है। रोहतास जिले में भी एक चोरी के केस में ये फिरार चल रहा है और महाराष्ट्र के पुणे में एक शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत इसमें कांड दर्ज है, जिसमें बेल पर बाहर है। बाकी इसका आपराधिक इतिहास और हम लोग खंगाल रहे हैं और इसका जो दूसरा साथी है उसकी गिरफ्तारी के लिए आगे कार्रवाई की। कितने का माल पकड़ा है? कुल 110 ग्राम सोने के जेवरात और करीब 3.25 किलो चांदी के जेवरात इसमें बरामद किए। बिहार में सुशासन की सरकार दहेज उत्पीड़न को लेकर जहां कड़े कानून के जरिए समाज में अभियान चलाकर बिहार से इस कुप्रथा को हमेशा के लिए मुक्त करने का दावा पेश कर रही है, वहीं भोजपुर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र के कुल्हड़िया गांव निवासी विवाहिता आरती देवी को दहेज लोभियों ने
दहेज के लिए पहले जलाया, फिर उसे छत से नीचे ढकेलकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कुल्हड़िया निवासी देवनंदन नूनिया के पुत्र रवि कुमार की शादी 15 जुलाई 2016 को नालंदा रानीपुर निवासी रामवरण नूनिया की 25 वर्षीय पुत्री आरती देवी से हुई थी। शादी के बाद ससुराल पक्ष के लोग आरती देवी के मायके वालों से अक्सर दहेज की मांग किया करते थे। जब दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता आरती देवी को पहले गर्म करके जलाया, फिर उसे घसीटते हुए छत से नीचे धकेल दिया, जिसके बाद वह बुरी तरह जख्मी हो गई। यह आरोप जख्मी आरती की मां ने ससुराल पक्ष के लोगों पर लगाया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने विवाहिता को किसी तरह कोयलोर PHC में भर्ती कराया और इसकी सूचना उसके मायके वालों को दी। PHC में इलाज कर रहे चिकित्सकों ने विवाहिता की स्थिति गंभीर होते देख उसे आरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया। जब इस मामले में पुलिस ने अधिकारी से पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि विवाहिता आरती को दहेज के लिए ससुराल पक्ष के लोग प्रताड़ित कर रहे थे। आज उसे जलाने का प्रयास भी किया गया और उसे के बाद उसे छत से नीचे फेंक दिया गया। विवाहिता के मां के बयान पर 6 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वार्ता में प्रमुख 9 मांगों को लेकर चर्चा हुई। सभी मांगों को जल्द पूरा करने की बात हुई। मुख्य मांग स्नातक भाग 1 नामांकन का प्रक्रिया केंद्रित करने पर काफी चर्चा हुई। आखिर विश्वविद्यालय प्रशासन के इस सराहनीय कदम के पीछे हो रहे लगभग 4 घंटे के वार्ता के बाद कुलपति को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मांग के आगे झुकना पड़ा और आरा के सभी 5 कॉलेजों में होगा केंद्रित नामांकन। प्रदर्शन और वार्ता में मुख्य रूप से प्रदेश के मंत्री कृष्णदेव यादव, प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य शशि शेखर सिंह मौजूद रहे। क्या मामला था, किस लिए मारा पीटा गया, कौन मारा है आपको? कौन मारा है? काहे के लिए मारा है लोग? उस साल भर शादी के हुआ है, चाहता हमको बड़ी दीने में मुआ था, बहुत मारता है उठता, साल भर हम बर्दाश्त करके हम अपन इज्जत पर रहा। कौन मारता है उठता? हमको ज्यादा मारता है, पिटवाता है पति से, हमको सालों भर मारते रहा हमको पति, बाहर नहीं की नानी घर। कभी शिकायत नहीं किया थाना वाना में? कभी शिकायत नहीं की पहले? हमको हमको ना शिकायत किया, हमको तो रहना है इज्जत मार के देखना बना। हम पति के लगे रहा, पति से पिटवाया, अन्ना ना हमको बहुत देर तक कहता कि हम लिखवाए भैन, हमको छत पर से ढकेल दिया है आज। हाँ 10 दिन हो रहा है हमको दाग दिया छा नौटा से, सब नहीं 10 दिन और दिन हो रहा है हमको नक सब बिगाड़ दिया, सब दाग रहा छोटा से दाग देने। हाँ अपना भाई के कुछ नहीं किया हमको, क्या अपन का जाओ थाना कर लो, केस कर लो, कुछ भी कर आप लो। आप चाहती क्या, क्या मांग करती हैं आप थाना से, सरकार से क्या मांग करती हैं आप? बोल के माई राम के पूछ, बोल दोषी हो, जो दोषी है उनको पर प्राथमिकी दर्ज कराई है अभी तक? प्राथमिकी दर्ज करा रही है थाना? हमको सब चाल चल हुआ ननद के, हमको पति के हमको बहकाया है हमको ननद सब क्या। ननद पे प्राथमिकी दर्ज कराएंगे? हम अपना माए बाप देने रहेंगे हम ननद। क्या नाम है आपका? दिक्कत क्या हो बेटी के, मैंने बियान ना सा बियान ना शादी कहीं नहीं ना बेटी के, तो रवि के साथ में कहीं नहीं शादी, और रवि हाँ जो साल भर रख ले, रखला के बाद में इसको देवर पर छोड़ दिया, वो कमाने लिए गया बर्दाश्त, तो देवर से कुछ भी हो गया, प्रेम हो गया जब कुछ भी, तो ये जा के पहुँचा दिया मैंने माँ हियाँ, पहुँचैला के बाद में फिर ये सब कौन गवर्नमेंट करा ना, जो अपना बहनोई के भेज दिया है। आज क्या हुआ है? क्या हुआ है आज इनके साथ? इसके साथ तो आज हुआ है कि माई जो रिजा वाला करता है तो 10 बेर टान लिया जी सर, टन टन के बंद के ले रहा, दम बंद कर दिया तब तो, और ऊपर से बोला ना कि आग लगा दूंगा नहीं तो तुमको मार दूंगा, तभी जाएगा माई साथ। कौन मारा है इसको? बोल धनमुनी देवी टेला है इसको, दागा है फिर दागा है छोड़नी धिका धिका, इसको अथी है वो नाद कुमार। धनमुनी देवी कौन है? धनमुनी देवी नाद है इसको, बार नाद है, वही रहता सब दिन इसको ही घर में, मतलब घर में मतलब टॉर्चर करता है लोग। काहे के लिए मतलब ये दागा है, काहे के लिए?
दागा है कि देखो, बोला कि तुम हमको भाई चल दिया परदेश, तो तुम किस लिए प्रेम करा चाहे कुछ करा देवर से। तो ये बोला ना कि तुम काहे तेल लगाने किया, काहे ऐसे किया, खाए देने काहे ऐसे। तो बोल कि तोरा ना जाए को रह देगा ना हेरा हम मारेगा। तो इसको आमदी ससुराल वाला मारता पिटता है। हाँ पूरे मारा है, तो मारा है तो सब टोला वाला देखा, तो टोला वाला फोन कर दिया मेरे अगुआ। आप कौन है? आप कौन है? माई है। तो फोन कर मामला है सर, एक महिला दहेज अधिनियम की दहेज प्रथा का प्रचारित की गई है। पांच लोगों पर, छह लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। छत से भी फेंकने का मामला, छत से भी फेंकने का भी फेंका गया है, जान मारने की धमकी पूरा किया गया है। आपका सर परिचय क्या हुआ? मैं सर जितेंद्र कुमार सिंह। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा स्नातक भाग एक का नामांकन प्रक्रिया विश्वविद्यालय में ना कर फिर से कॉलेज से करने का नोटिफिकेशन निकलने के विरोध में विश्वविद्यालय में कुलपति के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद कुलपति ने सभी कार्यकर्ताओं को विश्वविद्यालय के सभागार में आमंत्रित कर बातचीत की। जिंदाबाद जिंदाबाद, कुलपति होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। दस परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, कुलपति शर्म करो, शर्म करो। विद्यालय प्रशासन है, तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कुलपति शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, कुलपति होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। परिषद आज का प्रदर्शन का मुख्य मांग है कि जो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कहा गया कि पटवन में परीक्षा नामांकन जो होगा वो केंद्रित नामांकन होगा, एक विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन होगा और सभी महाविद्यालयों में कट ऑफ मार्क्स के आधार पर नामांकन किया जाएगा, वो कदम बहुत अच्छा था और छात्र हित में कदम था। लेकिन तथा कथित दलालों के दबाव में आकर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उस सुझाव को, उस नामांकन प्रक्रिया को रद्द करके पुनः फिर कॉलेज के उन दलालों के चंगुल में दिया गया जो कि पहले के प्रक्रिया के अनुसार नामांकन होता था। इसके हर विद्यार्थी परिषद इस नामांकन प्रक्रिया को विरोध करती है और विश्वविद्यालय द्वारा केंद्रित नामांकन प्रक्रिया को मांग करने के लिए आज विश्वविद्यालय प्रशासन में के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं हम।